आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ के डंडैया बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने किस तरह से कार्रवाई की है। और सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण यहाँ पर अतिक्रमण जो था उसको हटाया जा रहा है। चारों ओर दोनों दोनों तरफ फुटपाथ पर बने चबूतरों को भी किस तरह से तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री रितेश कुमार गुप्ता जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बाजार राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे कि इसमें देखा जा रहा अतिक्रमण, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर बहुत सारे जामे भी लगते हैं, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समाज में व्यापारी को लेकर और विभाग को लेकर ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि व्यापारी जितना अपने दुकान के अंदर रहता है उससे कहीं ज़्यादा वो बाहर रहता है, और अतिक्रमण करने में कहीं ना कहीं पद अच्छा बदनाम बुरा होता है, व्यापारी बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो इसको लेके हम लोगों ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी है, एक पहल करी है समाज के प्रति, नागरिक के प्रति, अपने व्यापार के हित के प्रति, कि दुकान के अंदर अपना व्यापारी बैठे और साथ हाथ जुटा हम लोग फुटपाथ छोड़ दें, जिससे हमारा कोई व्यापारी आए सामान लेने आए, टू व्हीलर से आए या मोटरसाइकिल से आए या फोर व्हीलर से आए, तो उसके पार्किंग की एक सुविधाजनक जगह मिल जाए, तो उससे दो लाभ होगा। एक तो आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पर जितना भी व्यापारी हमारा है वो सुकून से व्यापार कर पाएगा, और दिन दूनी और रात चौबीस तरक्की। नहीं, आपने जैसे पार्किंग की बात की, पार्किंग के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी से या किसी से सक्षम अधिकारी से आपने कोई बात की इस मामले में कि मुझे पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, मुझे दुकान की व्यवस्था की जाए? जहाँ इस व्यवस्था पे सवाल तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास उपयुक्त यहाँ पे कोई साधन हो, व्यवस्था हो। जब यहाँ पे चलने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो पार्किंग की व्यवस्था हम कहाँ से कर देंगे? नहीं, आपने जैसे कहा ऑलरेडी हमारे पास जो है ये आपके निशाचंद पर बनी हुई है, गोल मार्केट पर बनी हुई है, कपूरथला पर बन रही है, तो वहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं है जो अपनी डिमांड को रखें। अगर ये डिमांड पे अगर नहीं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं यहाँ जाम लगे, कोई आदमी फुटपाथ पे ना जाए, फुटपाथ पे रहे, कार्य करें, और कोई आदमी है गाड़ी पार्किंग होनी चाहिए, तो इस बारे में कभी आपने प्राथमिक आदमी या किसी से आपने बात की कि इसकी व्यवस्था की जाए या कहीं पर आसपास जगह देखकर? तो व्यवस्था अगर हम पहल कर रहे हैं तो इससे सुंदर और अच्छी बात क्या हो सकती है? सारा सब कुछ अगर हम सरकार पर छोड़ देंगे, लोगों पर छोड़ देंगे, तो हम कब सुधरेंगे? ये तो हमने एक अच्छी पहल की है, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इसमें तो हमारे को प्रशंसा होनी चाहिए कि अगर समाज के प्रति एक सुंदर पहल की है हम लोगों ने, कि बाजार के अंदर एक व्यवस्था सरकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम लोग आम व्यापारी होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, ये आम जनता का सुविधा का हम लोगों ने ख्याल रखते हुए ये कदम उठाया, और इसका हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग व्यापारी के हित में काम कर रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर सामाजिक किसी इंसान को परेशानी ना हो, और व्यापार जो व्यापार अपना जगह चलता रहे, व्यापारी अपना व्यापार करता रहे। आप बात ये फंसती है कि जगह कहाँ से आए, तो जब जगह यहाँ पर कहीं नहीं उपलब्ध है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी दुकानों वगैरह जगह है तो हम लोग 8 फीट जगह कम से कम छोड़ दें, जो हमारा मोटरसाइकिल वाला कहे का है वो लाके वो 8 फीट जगह पे गाड़ी खड़ी कर दे और पीछे आके सौदा ले ले, हमारा रोड पूरा खाली रहे जिससे आवागमन कोई परेशानी ना हो, ये बात हम लोग चाहते हैं। जो अभियान आज चलाया गया है, इसकी जानकारी आपको पहले जानकारी यहाँ दी थी नगर निगम के अधिकारी, उन्होंने जानकारी दी थी कि यहाँ पर हम लोग आएंगे 15 तारीख, हम लोगों ने मीटिंग कर करके कल हमने मीटिंग किया और व्यापारी भाई बता दिया कि यहाँ पर जो है कल नगर निगम आएगी, आप लोग दुकान मेरे पीछे कर लीजिए, और जो लोग कर पाए उन लोगों ने करा, बाकी यहाँ के नगर निगम ने जो है सहयोग किया और दुकानों का पीछा करने का काम किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग व्यापारी के भी सहयोग में काम कर रहे हैं, आम जनता के सहयोग में काम कर रहे हैं, और आवागमन गड़बड़ ना हो, खाली इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आवागमन में परेशानी ना हो। और हर बात हम लोग सरकार पर ही छोड़ देंगे, जो भी मंत्री जी हमारे कहा, तो हम लोग कब सुधरेंगे? हम लोग तो पहले सुधारने का काम करें, समाज के आदमी हम लोग भी हैं, समाज का हिस्सा है, तो समाज सुधारने का हम लोग करना चाहते हैं, समाज हमारा सुधरे और हमारे व्यापारी सुधरे, हमारा व्यापारी कमाते भी रहे और व्यापार भी चलता रहे और आवागमन